पिछले वीडियो में हमने ब्रॉडकास्ट मैसेज यूज़ करके एक ये एनिमेटेड कहानी बनाई। इस वीडियो में हम इसमें साउंड इफ़ेक्ट्स सीखते हैं। तो अगर मैं ये एनिमेशन दोबारा चलाऊंगा जहां ये हमने बनाई है, तो हम देखते हैं कि ये स्क्रीन बदल गया, पर हमारे को किरण जो कैरेक्टर है उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पिछली बार हमने लास्ट कमांड दी थी कि व्हेन आई रिसीव रोबोट टू हाइड। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है कि किरण नाम की स्प्राइट को वो दिखनी चाहिए। तो ये हम वापस लुक्स में जाते हैं, लुक्स में जहाँ हाइड था वहाँ शो भी है। तो हम ये शो निकाल के हम कह रहे हैं कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड शो देन से रोबोट और जो भी पिछली बार बनाया था वो सब। तो अब जब हम इसको ग्रीन फ्लैग दबाएंगे तो सब चीज़ें रीसेट हो जाएंगी और ये हमारा जो एनिमेशन पिछली बार हमने बनाई थी वो कहानी वैसी की वैसी आगे चल जाएगी। तो इस बार हम क्या करते हैं, पूरी एनिमेशन में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक हम कहीं भी डाल सकते हैं, मैं बैकड्रॉप में डाल रहा हूँ। और हम कहना क्या चाहते हैं, हम निर्देश ये देना चाहते हैं कि जब ग्रीन फ्लैग चले तो कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो हमारी पूरी एनिमेशन में पीछे चलता रहे। तो इसके लिए हम जाते हैं साउंड में, और साउंड में यहाँ पर साउंड्स में ऊपर जाओ तो एक हम यहाँ पर अगेन नई साउंड ऐड कर सकते हैं जो प्री रिकॉर्डेड है, या फिर अपनी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर हमने कहीं और रिकॉर्ड करके रखी हुई है, जैसे मान लिया जाए किसी ऐप वगैरह को यूज़ करके हमने कोई म्यूज़िक बनाया है तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रैच में जो बनी बनाई साउंड्स हैं उनको उनका प्रयोग करते हैं। तो हमने ये दबाया तो ये ऑल साउंड्स जो हैं ये अलग अलग किस्म की हैं, जैसा ऊपर हमें दिख रहा है कि एनिमल्स, इफ़ेक्ट्स, लूप्स, नोट्स, परकाशन, स्पेस, स्पोर्ट्स, वॉइस, वैकी। तो ये अलग अलग किस्म की साउंड्स हैं। साउंड इफेक्ट्स भी हैं। तो अभी हम चलते हैं लूप्स में। लूप्स होते हैं छोटे से साउंड क्लिप जो हम फिर बार बार रिपीट करा सकते हैं। तो इस बात पे निर्भर करता है कि आपके एनिमेशन क्या है और आप उसमें कैसा म्यूजिक डालना चाहते हैं। मैंने अभी चेक किया था, एक लूप है जिसका नाम है ओड सॉन्ग, तो मैं इसको यूज करना चाहता हूं। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास यहाँ आ गया। और स्क्रैच में ही काफ़ी सारे तरीके हैं इसको एडिट करने के, जैसे अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो ये मैं एडिट करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, एक छोटा सा इसका पोर्शन यूज़ कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं फास्टर चला सकता हूँ। या स्लोअर चला सकता हूँ। तो ये मैंने नॉर्मल किया, या फिर यहीं पे और इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे या लाउडर या सॉफ्टर। मैं चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल इफ़ेक्ट था वही हम यूज़ करें, पर हम इसको थोड़ा सा सॉफ्टर बजाना चाहते हैं, यानी इसका वॉल्यूम कम करना चाहते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड का म्यूज़िक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ ताकि ये म्यूज़िक पीछे बजे और जब हम कैरेक्टर्स का कोई और नरेशन वगैरह डालें, वॉइस ओवर डालें, तो वो ठीक से सुनाई दे। तो एक बार हमने एडिट करके अपना साउंड क्लिप को ठीक कर लिया, हम खुश हैं कि ये हमारी एनिमेटेड स्टोरी के लिए चलेगा, तो हम वापस कोड में गए। तो हम चाहते क्या हैं कि जब ग्रीन फ्लैग दबे तब ये म्यूज़िक चल जाए और जब तक एनिमेशन ख़त्म ना हो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक पीछे चलता रहे। तो यहाँ पर अब मैं साउंड में जाके ये प्ले साउंड का प्रोग्रामिंग ब्लॉक जो है इसको ला रहा हूँ। अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ओड सॉन्ग दिख जाता है। तो मैंने इसको अगर दबाया और फिर प्ले किया तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है। अब मान लिया जाए कि अगर आपकी एनिमेशन लंबी है और आप लूप आप लाए वो उससे छोटा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि एक लूप में डाल सकते हैं, जो हमने एक पिछले वीडियो में देखा था। कंट्रोल में जाकर मैं एक फॉरएवर का लूप लाता हूं और फॉरएवर के लूप के अंदर ये बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा देता हूं, तो ये म्यूज़िक बजता रहेगा
जब तक कि पूरी एनिमेशन खत्म नहीं हो जाएगी। तो क्विकली मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर हमें कोई भी म्यूज़िक डालना होता है तो हम साउंड्स में जाते हैं, जो ऑलरेडी स्क्रैच में साउंड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या अपना साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अपलोड कर सकते हैं। और एक बार हम साउंड जो भी हमने डाली वो हमारे पास आ जाती है, तो हम कोडिंग में उसको साउंड में जाके प्ले साउंड अनटिल डन या स्टार्ट साउंड इसको यूज़ करते हुए अपनी एनिमेशन में बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके साथ ही वॉइस ओवर यानी कि कैरेक्टर जब बोलेंगे तो वो टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ नहीं आएगा, वो बोलेंगे, ये वॉइस ओवर को नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं।